प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए हैं। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने विपक्षियों के मुंह पर ताले लगा दिए, और न सिर्फ ताले लगा दिए बल्कि उनकी बोलती बंद कर दी। दरअसल एक और जहां पीएम मोदी को इस्लामिक विरोधी बताते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी की दो मुस्लिम महिला सांसदों ने मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया, तो वहीं दूसरी ओर बोहरा समुदाय, जिनका मुस्लिम समाज में अच्छा खासा दबदबा है, वो गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंच गए और सिर्फ स्वागत ही नहीं किया बल्कि भारतीय के नजरिए को तवज्जो देते हुए खुशी के मारे मोदी को घेर लिया और मोदी मोदी चिल्लाने लगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर मुसलमानों में बोहरा समुदाय का क्या अस्तित्व है। दरअसल बोहरा एक गुजराती शब्द है। ये मुसलमान बाकी के अन्य मुसलमानों से अलग माने जाते हैं और खुद को भी अलग समझते हैं। इस वर्ग का मुस्लिम समाज में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग अपने धर्म को लेकर काफी कट्टर होते हैं। ये सिर्फ दो ही नीति को लेकर चलते हैं, या तो मरने की या तो मारने की। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि समुदाय की महिलाएं भी काफी पढ़ी लिखी और समझदार मानी जाती हैं। खैर, जिस तरह से ये समाज मोदी का स्वागत करने के लिए अमेरिका में घंटों इंतजार कर रहा था, उसे देखने के बाद तो विपक्षियों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और इसके अलावा एक तरफ से देखा जाए तो ये विपक्षियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जो लोग मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि जिस तरह से उभर कर आ रही है और भारत का डंका जिस तरह से पूरे विश्व में बसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में हर भारतीय को खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। अब तो विपक्षी भी मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोग मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरह से घंटों लाइनों में लगे हुए थे। इतना ही नहीं, एक और जहां अमेरिका में दूर दूर से लोग घंटों मोदी की राह ताक रहे थे, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जिस होटल में ठहरे थे वहां भी बोहरा समुदाय के मुसलमानों की भीड़ देखने को मिली। चारों तरफ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी जिस होटल में रुके थे वहां भी ये लोग उनसे मिलने पहुंच गए और खुद को मोदी जी से मिलने से रोक नहीं पाए। अब जहां कुछ लोग मोदी का समर्थन करते दिख रहे हो, वहां भला कुछ लोग मोदी का विरोध ना करे, ऐसा हो सकता है? तो चलिए अमेरिका में मोदी के दौरे से नाराज लोगों की बात भी कर ही लेते हैं। इस लिस्ट में दो लोगों का नाम शामिल है। पहले तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा और दूसरी यूएस की डेमोक्रेटिक सांसद इलहान उमर। ये मोदी जी के दौरे से क्यों नाराज है, इसका भी कारण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। दरअसल एक और जहां जो बाइडेन अपनी पत्नी के साथ मोदी जी की खातिरदारी कर रहे थे, तो वहीं मोदी जी से नाराज बराक ओबामा ने मोदी के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। बता दें कि ओबामा ने पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत के वक्त एक इंटरव्यू में मोदी के खिलाफ जहर उगलते हुए खुद को लोकतांत्रिक चैंपियन बताने लगे और कहा कि जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों पर पीएम मोदी के साथ काम उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ध्यान देने योग्य है। ओबामा ने कहा कि अगर मेरी पीएम मोदी से बातचीत होती है तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे तर्क का एक हिस्सा ये होगा कि यदि आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा नहीं करते तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर अलग होना शुरू कर देगा। और हमने देखा है कि जब इस प्रकार के बड़े आंतरिक संघर्ष होने लगते हैं तो क्या होता है। वही इस लिस्ट में दूसरी है डेमोक्रेटिक सांसद इलहान उमर। उन्होंने तो ट्वीट करते हुए मोदी को अल्पसंख्यक का दमन करने वाली सरकार ही बता दिया और कहा कि मैं संबोधन का बहिष्कार इसलिए करना चाहती हूँ, जिसके बाद आतिफ राशिद ने पलटवार करते हुए उन्हें बुरी तरह से धो डाला। इलहान उमर और राशिद तालिब के आरोपों पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष आतिफ राशिद ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं भारत के अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक पहचान के साथ स्वतंत्र रूप से रहता हूँ। भारत में मुझे ये आज़ादी है कि जो मुझे लिखना होता है मैं लिखता हूँ। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आप अपने नफरत के एजेंडे की तरह मेरे भारत की गलत तस्वीर दिखा रही हैं और गलत छवि प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो लोग मोदी को मुस्लिम विरोधी मानते हैं, उन्हें मोदी के लिए बोहरा समाज का इस कदर प्यार देखने के बाद सीख लेने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।